जा रहे हैं क्राइस्ट चर्च के फार्मर। हेलो गाइस, स्वागत है आपका नए एक वीडियो में। आज हम जा रहे हैं क्राइस्ट चर्च के फार्मर्स मार्केट में, मतलब कि सब्जी मंडी में। सुबह के बज रहे हैं 9 और टेम्परेचर है 0 डिग्री। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिखती है न्यूजीलैंड की सब्जी मंडी। ये है रिकर्टन बुशिन। सुबह सुबह यहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, इतनी दूर गाड़ी पार्क की है और फिर चल के आना पड़ता है, और इतनी ठंड में। अब जैसे ही एंटर होते हो यहाँ पे, पहले ही एटीएम का मशीन यहाँ पे लगा दिया है। ये है यहाँ के लहसुन गार्लिक अदर लीफी वेजिटेबल्स। ये लेटस, डिफरेंट टाइप के लेटस मिलते हैं यहाँ। बीट रूट की साइज तो देखो, और ये यहाँ का ब्रेकफास्ट का है कुछ। ये है पोटैटोज, इसमें भी कुछ 2-3 वैरायटी है। कैबेज की साइज देखो। मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ धनिया, शायद ही मिले, लेकिन स्प्रिंग अनियन। मिल गया है उधर। और लीफी वेजिटेबल्स, इंडिया का धनिया, कॉलीफ्लावर्स, पम्पकिन, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पे। ये सब स्लाइसेस है। बड़े बड़े ब्रेड्स, सुबह सुबह 9 बजे इतनी लोग आ चुके हैं। फ्लावर्स, यहाँ पे ये बोलते हैं माइक्रो ग्रीन्स। एग्स की तो पूरी ट्रक ही है यहाँ पे। वॉलनट्स,
Different type. Sauce. Super mad. जूसेस बहुत सारे टाइप के जूस है यहाँ पे. फिर से एग्स एंड एप्पल. थैंक यू. ऑर्गेनिक लेमन्स. Have so many varieties of apples. That's a special thing. Yeah. Where are you from? I'm. Yeah, or those apples. Sabhi apple ki variety hai. See. Yeah. On the side, ye river hai. वहाँ पे बैठो, शांति से enjoy करो. फिर से एग. रिवर के पूरे पास है. के ब्रेड की वैरायटी है इधर. ये है शहद हनी. ये था कुछ ब्रिटल समथिंग. मुझे तो ऐसे चिक्की जैसा दिखा था. ये कुछ ऐसे चिक्की जैसा दिख रहा है. यहाँ मुझे कुछ डिफरेंट फ्लेवर दिखा जो मैंने कभी पहले नहीं देखी. वो है ऑरेंज एंड चिली ब्राउनी. वो भी ग्लूटेन फ्री. ट्राई करनी पड़ेगी इसको. तो सब डिजर्ट्स, कुकीज एंड एवरीथिंग. और आप अभी मैं आपको दिखाती हूँ सुबह सुबह में चाय की कितनी लाइन है यहाँ पे. ये जो लंबी आपको लाइन दिख रही है वो चाय की है. चाय के दीवाने यहाँ लाइन में खड़े हैं. चलो चाय. चाय ये देखो क्या लिखा हुआ है. दूसरे ये ब्रेकफास्ट के स्टॉल्स हैं. केक स्टॉल. मोमोज़.
and dumplings. हमको पहले जाना पड़ेगा इधर कॉफ़ी लेने क्योंकि ठंड बहुत है। ये लग गए हम कॉफ़ी की लाइन में। हमारा नंबर अभी आने ही वाला है। ऑर्डर यहाँ से करो फिर लो वहाँ से। ऑर्डर हमने कर दिया है और अभी वेट कर रही हूँ मैं कॉफ़ी के आने का। ये आ गई है मेरी कॉफ़ी और इसके साथ इन्होंने यहीं एक टेबल रख दिया है। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको शुगर, ये कप की लीड, साथ में जितने चाहिए उतने मार्शमेलो आप ले सकते हो। तो ये मैं ले रही हूँ कप का लीड क्योंकि मार्शमेलो मुझे इतना पसंद नहीं है। जब तक कॉफ़ी ली तब तक तो भीड़ इतनी बढ़ गई है। अभी मैं देख रही हूँ कॉफ़ी के साथ क्या खाया जाए। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। सी कैरेट केक, दिस लुक्स टेम्प्टिंग। चीज केक, ये है अचार, डिफरेंट टाइप के। ये है पुडिंग्स एंड ऑल। इतनी अच्छी तरह से इन्होंने ऐसे डेकोरेट करके रखे हुए हैं, देख के ही खाने का मन हो ऐसा। चॉकलेट, न्यूजीलैंड में ये होकी पोकी फ्लेवर बहुत फेमस है, आइसक्रीम में हो या चॉकलेट में हो या किसी में भी। तो अगर आप न्यूजीलैंड आए तो ज़रूर ट्राई करें। ये कुछ करी और वो सब है। ऑलिव ऑयल्स, आप टेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे सैंपल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ये पार्क है साइड में, तो यहाँ से चीज़ें बाय करो और पार्क में बैठ के एंजॉय करो। यहाँ तो पेड़ भी इतने बड़े बड़े हैं। यहाँ से बाय किया है मैंने ये सार्डो ब्रेड। घर जाके देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है।
ऑर्गेनिक सूप्स। सूप है, जूस है, फिर से स्वीट। बड़े बड़े ब्रेड, ग्रैनोला, यहाँ का टाइमिंग है 9 to 12 हर सैटरडे। और ये मतलब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, यहाँ की फेमस, वहाँ से एकदम नज़दीक है, तो जो कोई स्टूडेंट को यहाँ से लेना हो कुछ भी वेजीज एंड ऑल ले सकते हैं। हमने ले ली है कुछ वेजेस और अभी हम जा रहे हैं बैक टू होम। और ये सब कुछ मैं लेके आई हूँ फार्मर्स मार्केट से, लेटस, ऑर्गेनिक कैरेट्स, पक चॉय, कोरिएंडर एंड सार्डो ब्रेड। ये दो चीज़ मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसी लगती है। बाय द वे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।